हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे मसूर दाल और चावल की ऐसी खिचड़ी जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है। प्रोटीन से तो ये भरी हुई है और अंडे से बनाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए चावल। मैंने यहाँ पे 1.5 कप जितना चावल ली है। चावल आपको वही लेना है जैसा आप घर में खाते हो। बासमती लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चावल ही ले लेना, उसमें ही ये काफ़ी होगा। तो 1.5 कप चावल में मैं ले रही हूँ 1 कप दाल, और इन दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर कुछ कीड़ा वगैरह हो तो उसको फेंक देना, और इसमें हम पानी डाल के इसको हम अच्छे से धो लेंगे। 2-3 बार साफ पानी से धोना है दोस्तों। बहुत सारा स्टार्च रहती है, डर्ट भी रहती है, तो अच्छे से मसल के आपको इसे धोना है। तो मैंने तो इसको 2-3 बार साफ पानी से धो ली है। अभी हम इसको सीधा ले चलेंगे गैस की तरफ। गैस पे एक बड़ा सा पतीला ले लेना और उसमें डालना है आपको पानी। पानी आपको कितना डालना है, जितना हम दाल और चावल ले रहे हैं ना उससे 3 गुना ज़्यादा आपको पानी डालनी है। पानी में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि चावल और दाल के अंदर नमक जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से इसको मिला देंगे। पानी जैसे ही गर्म हो जाएगी हम इसमें यह चावल और दाल डाल देंगे एक ही साथ। और चावल और दाल को डालने के बाद हम गैस को हाई पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए। ऊपर से ना थोड़ा सा झाग आपको दिखेगा, तो वो झाग ना आपको फेंक देनी है जितना हो सके। ये झाग से ना ये थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, तो झाग हम फेंक देंगे। और उसके बाद फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम टू लो पे और इसको ढक के रख देंगे। ये 15 से 20 मिनट में आसानी से पक जाती है। तो ढक के रखी है मैंने, बीच में एक बार मिला लेना और एक बार चेक कर लेना कि पकी है या नहीं। तो मैंने ना 10 मिनट के बाद इसको खोला था। ये थोड़ा सा और पकना ज़रूरी है, ऐसा तो हम घर में खाते हैं ना चावल खड़े खड़े, तो थोड़ा सा ये ना और ज़्यादा मैशी होना चाहिए। तो मैंने इसको ढक के रखा है फिर से 10 मिनट, मतलब कि मैंने ना गुल मिला के 20 मिनट तक इसको ढक के रखा था। और अभी यह जो बनी है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको अब हम साइड में रख देंगे ढक के और चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट हमें लेना है एक पैन, उसमें हम ले लेंगे घी। आप चाहो तो तेल से भी बना सकते हो। तेल भी मैंने डाली है, 1 चम्मच मैंने घी डाली है और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर तेल डाली है। दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और जैसे ही ये गर्म हो जाएगी हम इसमें डाल देंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकना चाहिए दोस्तों, नहीं तो फ्लेवर बाहर निकल के नहीं आएगी। जीरा जैसे ही चटक जाएगी हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ पे ली है 1 बड़े साइज़ का। अगर आप प्याज नहीं खाते हो ना तो इसको स्किप कर सकते हो। प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे हाई फ्लेम पर। थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएगी तब तक हमें इसे भूनना है। और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाती है हम इसमें डाल देंगे अदरक। मैंने यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच जितना पिसी हुई अदरक डाल दी है। और सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही ये पक जाएगी हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। 2 मैंने यहाँ पर डाली है मीडियम साइज़ का टमाटर। 8 से 10 मैंने यहाँ पे डाल दी है हरी मिर्चें, बीच में से चीरा लगा के। थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और इन सारे मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे से चिपक रही है तो थोड़ा सा पानी भी आप डाल सकते हो। मैंने भी बस पानी थोड़ा सा डाल दी है। फ्लेम को रखना है आपको मीडियम पे। इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको ढक के रखेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि ये टमाटर जो है ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा मैश कर देंगे हाथों से, अच्छे से इसको पका लेंगे। जैसे ही मसाले तेल छोड़ देगी ना हम इसको ले चलेंगे सीधा चावल और दाल के पास, और इसके ऊपर से हम ये मसाले को डाल देंगे। लेकिन ये चावल और दाल जो है ना दोस्तों, इसे ना ठंडा नहीं होने देना है। अगर आपको लगे कि ये ठंडा हो चुका है तो आप ना इसे लो फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म कर लेना, और इसके ऊपर से हम ये मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
एक बात आपने नोटिस की है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ना हल्दी पाउडर नहीं डाली है चावल और दाल में, नहीं डाली है दोस्तों। हल्दी पाउडर डालने से क्या होगा, चावल और दाल ना पकेगी ही नहीं, तो पकने के बाद आपको हल्दी पाउडर डालनी है। हल्दी पाउडर मैंने डाली थी मसाले में, तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर भी डाल दी है, थोड़ा सा ही डालना है दोस्तों। ज़्यादा डालेंगे ना तो हल्दी पाउडर का ना एक बुरा सा फ्लेवर आएगी, तो बस थोड़ी सी हल्दी पाउडर मैंने डाली है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चीनी भी डाल दी है। चीनी का काम क्या है, ये जो हमने सारे मसाले डाले थे ना, इसका थोड़ा सा कड़वापन होता है, तो चीनी ना उसको ना बैलेंस करेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगी। तो अच्छे से हम इसको मिला देंगे, नमक चेक कर लेना, अगर लगे तो डाल देना। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर ली है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने बाद में डाल दी थी, थोड़ा सा फीका फीका लग रहा था। हल्दी पाउडर डालने से ना सिर्फ मिक्स करने से नहीं होता है दोस्तों, थोड़ा सा पकाना होता है, तो लो फ्लेम या फिर मीडियम फ्लेम पे आपको इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है, ताकि ये जो फ्लेवर है ना हल्दी पाउडर की वो चली जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो अंडे ले ली है, अंडे में नमक नहीं डाली है, बस इसको अच्छे से फेंट ली है। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके अंडा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपको चिंता नहीं करनी है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनेगी। ऐसा आपको लग रही होगी कि ये शायद कच्चा रह जाएगा, मेरी बात मानो, ये कच्चा नहीं रहेगी, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगी। तो इसी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि और भी अंडे की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा डाल भी सकते हो। लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बस थोड़ी सी घी और थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर, और इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा हम सेट करने के लिए छोड़ देंगे। ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ना, वैसे वैसे ये और भी ज़्यादा टाइट होता जाएगा। अभी तो ये थोड़ी सी पतली लग रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ना जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा, ये और भी ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा। और ये देखो दोस्तों, इसका लास्ट रिजल्ट, ये गाढ़ा हो चुका है ना, ये और भी ज़्यादा ठंडा होगा ना, तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है दोस्तों, एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन भी है इसमें, और टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया आती है। तो बना के ना मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले खिचड़ी कैसे बने हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस में आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।